तो गाइस आज ना हम डोनट बना रहे हैं, उसके लिए मैंने ना डो बना के रख लिया था और शेप भी कट कर ली है, ठीक है। और ये इनका साइज दोबारा से डबल हो गया है, फूल गए हैं। और चॉकलेट कंपाउंड ले लिया, फ्रेश क्रीम ले लिया। अब बनाऊंगी मैं इसके ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें रख लिया है पानी, मैंने इसमें पानी रख लिया और ऊपर की बाउल रख लिया, तो मैं चॉकलेट डालूंगी। तो मैं अभी एक डोनट एक और आ जाएगा वैसे तो उसमें डाल देते। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी। तो हमारी चॉकलेट तैयार हो गई है, अब इसमें हम अपना डोनट डिप करते हैं। चलो उनपे वो कर दियो। कहाँ है, कौन सी वाइट चॉकलेट? हाँ अरे मेरे पीठ पे चढ़ो, पीठ पे अलग अलग सजाऊंगी ना। अब इन पे हम वाइट चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे जो ऑलरेडी क्रश हो रखी है। ये गाइस तो हमारे ना डोनट बन चुके हैं और इसके देखो आप कैसे अलग अलग तरीके से बनाए, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, टेस्टी भी काफ़ी हैं। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं खा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये है पूरा फूल गया है इसका, नहीं देखो क्या है, मतलब एकदम बाहर जैसा बहुत टेस्टी बना है। आप भी ट्राई करना अपने घर पर। बाय बाय।